थे आपके पास, आपने कहा कि आपसे बातचीत की, जरा वही बातचीत सुनवा देते हैं फिर उसके बाद लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल खत्री। सर ये बताइए कि इस बार अयोध्या खास तौर पर फैजाबाद में क्या राम मंदिर मुद्दा है आप लोगों के लिए? ये मुद्दा कहीं पर कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को किनारे कर लगा दिया है। जिन लोगों ने इस मुद्दे को भुनाया, जिस लोगों ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया, दोहन किया, शोषण किया, उन लोगों ने भी इसको किनारे लगा दिया। तो जनता की निगाह में तो पहले भी यह मुद्दा नहीं था, क्योंकि जनता पहले ही समझ चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट की लालच में इस मुद्दे को उछालती है और सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे से किनारा कर लेती है। मुद्दे क्या है आखिर यहाँ के? अकेला एक मुद्दा है, मोदी सरकार को हटाना, क्योंकि ये किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, व्यापारी की विरोधी है, मजदूर की विरोधी है, गरीबों की विरोधी है। और सबने ये महसूस किया है। कैसे विरोधी है? किसानों को इन्होंने कहा था कि हम फसल का उचित दाम देंगे, उचित दाम तो जाने दीजिए, आर साण किसानों की फसल को चर रहे हैं और परेशान है लोग, कोई दिन रखा रहा है, रात में रखा रहा है। मजदूर जिसको नरेगा सोनिया जी ने जिस योजना को दिया था, आज उसकी दिहाड़ी का पैसा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मोदी जी ने उस योजना के बजट में कटौती कर दी। नौजवानों को ख्वाब दिखा दिया 2 करोड़ रोजगार का, और आज वो 2 करोड़ रोजगार तो जाने दीजिए, सलाह दी जाती है कि पकौड़े बेचने के काम करें, वो भी तो रोजगार है। आज व्यापारी परेशान है, जो तबका ये समझता था कि हमारी ही है भारतीय जनता पार्टी, उस पर जीएसटी का जिस तरीके से जटिल बोझ लादा गया है कि वो चार्टर्ड अकाउंट चाहिए, उसको वकील चाहिए, उसको एक कागजों को मेंटेन करने वाला व्यक्ति चाहिए, ये सारे तबके लगे हुए हैं कि इनको पटकना है, और महिलाओं के सम्मान को भी इस सरकार ने दरकिनार किया है। तो चलिए, राम कोई मुद्दा है नहीं, विकास मुद्दा है। राम को मुद्दा बनाकर बीजेपी उछालती आई है और हमेशा चुनावों में इसका इस्तेमाल किया है, ये निर्मल खत्री कह रहे थे जो कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे फैजाबाद से। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं अमेठी की तस्वीरें, जहां पर स्मृति ईरानी वर्सेज राहुल गांधी कड़ा मुकाबला यहां पर है। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है और राहुल गांधी चुनावी मैदान में, और ये सुबह सुबह जो आइडल बूथ बनाए जाते हैं उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे, गुब्बारों से सजाया हुआ और पूरी तरह से सजे बूथ, और यहाँ पर आज वोट डालने के लिए पहुंचेंगे लोग। 7 बजे का वक्त है जब पोलिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले तैयारियां कैसी की गई हैं वो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अहम है, आपको बता दें कि 14 सीटें जहां पर आज चुनाव हो रहा है उनमें से सिर्फ 2 ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी 2014 में, और बाकी सारी सीटें बीजेपी जीत पाई थी। सारण में भी मुकाबला काफी कड़ा है क्योंकि राजीव प्रताप रूड़ी का मुकाबला वहां पर चंद्रका राय, जो कि आरजेडी से है, तेज प्रताप के ससुर हैं, उनसे ये मुकाबला, और ये नाराजगी भी थी तेज प्रताप को, इसीलिए खफा होकर पार्टी छोड़ी भी तेज प्रताप ने। चलेंगे सीधा सारण से, हमारे साथ सुजीत झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, क्या तस्वीर सारण से बन रही है अभी? देखिए नवजोत, सारण से तस्वीर बहुत दिलचस्प कह सकते हैं, हालांकि इस बार आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के यहाँ उपस्थिति नहीं होने से, हालांकि उस चुनाव लड़ने से तो पहले से ही वंचित थे, लेकिन प्रचार भी नहीं करने की वजह से, जेल में होने की वजह से, जो माहौल एक होता है जो सारण का, वो नहीं दिख रहा है इस बार। चंद्रिका राय हैं, उनके समधी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन लालू परिवार का कोई व्यक्ति इस बार चुनाव मैदान में सारण से नहीं है, इसका यहाँ की जनता को मलाल है। हालांकि रिश्तेदार जरूर हैं चंद्रिका राय, लेकिन जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं, तेज प्रताप जो उनके दामाद हैं और ससुर हुए चंद्रिका राय, और जो मामला चल रहा है तलाक का, इस बीच तेज प्रताप ने अपील भी की थी सोशल मीडिया पे कि तेज इनको वोट ना दे चंद्रिका राय को, यानी कि अपने ससुर के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। तो ये तमाम बातें हैं, चूँकि ये लालू यादव का गढ़ रहा है और 1977 में पहली बार लालू यादव यहाँ से चुनाव जीते थे, 1989 में जीतने के बाद वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 2004 और 2009 में वो चुनाव यहाँ से जीते। 2013 में भले ही उनको सजायाफ्ता होने की वजह से ये पद छोड़ना पड़ा, लेकिन पिछली बार
राबड़ी देवी जरूर लड़ी थी 2014 में यहाँ से चुनाव, और करीब 40,000 मतों से राजीव प्रताप रूड़ी से हार गई थी। तो इस बार का जो मुकाबला आरजेडी की रिफ्ट है वो साफ नजर आ रही है इस बार सारण में कि चंद्रिका सुजीत हम लौटेंगे आपके पास जल्दी से जरा क्योंकि वक्त की कमी है, जल्दी से मनोज्ञा के पास चलेंगे फिर गोपी आपके पास भी आते हैं। मनोज्ञा आप बताइए क्योंकि 7 वो सीटें हैं जहां पर टीएमसी का कब्जा और यहां पर कड़ी टक्कर इस बार बीजेपी से मिल रही है। लोकेत चटर्जी बीजेपी की तरफ से और रत्ना डे टीएमसी की तरफ से यहां पर है, क्या तस्वीर वहां से निकलती आ रही है? बड़ी दिलचस्प लड़ाई है और आगे बहुत चढ़ाई है अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाने की कोशिश की है इन सारी सीटों पर, और यही सारी वो सीटें हैं, ये 7 वो सीटें हैं जहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का दबदबा 2009 से रहा है, तब जब उनके पास सिर्फ 18 सीटें थी, न कि 2014 में जब 30 से भी अधिक हो गई। लेकिन इन सब के बीच में जो आंकड़े बताते हैं वो ये कि इन 5 सीटों पर हमेशा से पिछले 2 चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को 40% से ज़्यादा वोट मिले हैं, और इन्हीं 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 20% से भी कम वोट मिले हैं। तो क्या 2014 के बाद 2019 में जिस तरह से जीत के आंकड़े बदलने की कोशिश कर रही है बीजेपी बंगाल में, ये संभव हो पाएगा कि नहीं? भले ही उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स देने की कोशिश की हो, हुगली में लोकेट चटर्जी को दिया है रत्ना दे नाग के खिलाफ, हुगली वही जगह है जहां पर सिंगूर भी है, उसके साथ साथ श्रीरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, और श्रीरामपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कल्याण बैनर्जी लड़ रहे हैं। कल्याण बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सबसे दबंग नेताओं में से, वकीलों में से माने जाते हैं, जिन्होंने सिंगूर का मामला भी लड़ा था। तो एक ओर जहां सिंगूर आज वोट करेगा तो वहीं बैरकपुर आंदोलन के लिए जाना जाता है, इतिहास रचा है बैरकपुर ने, लेकिन इस बार बैरकपुर एक नया इतिहास रचने की तैयारी कर रहा है। क्या उनके खिलाफ जो वहां से सांसद हैं दिनेश त्रिवेदी, पूर्व रेलवे मंत्री, क्या वो इस बार अपने ही एक व्यक्ति जो उनके विशेष रहे हैं, अगर मैं ये कहूं उनकी गुड बुक्स में उनके स्ट्रॉन्ग मैन, उनके राइट हैंड अर्जुन सिंह अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं उनके ही खिलाफ, तो जो व्यक्ति वो सब जानता है आप कौन सा गणित बैठाकर कैसे चुनाव जीतते हैं, अब वो आपके खिलाफ लड़ रहा है। लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी, न सिर्फ टीएमसी बनाम भाजपा बल्कि दीनी बनाम दादा भी। बिल्कुल दीदी बनाम दादा वहां पर लड़ाई होनी, क्योंकि टीएमसी को किला बचाना है, बीजेपी सेन लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। नागौर चलेंगे सीधा, राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव हो रहा है। नागौर से इस वक्त हमारे साथ गोपी घांगर मौजूद है, जयपुर ग्रामीण सबसे अहम मानी जा रही, नागौर भी काफी अहम है क्योंकि यहाँ से ज्योति मिर्दा और उनका मुकाबला है आरएलबी के हनुमान बेनीवाल से। जी गोपी, क्या तस्वीर है वहां की अभी? जी बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मुकाबला है ये कांटे की टक्कर माना जाता है, क्योंकि एक जाट बेल्ट बन के उभरा है ये पूरा इलाका। अगर 2018 की बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो 10 सीटों में से 8 सीटों पर जाट एमएलए यहाँ पे जीते थे, तो उसकी वजह से ये जाट बेल्ट बन के उभरा है। साथ ही यहाँ पे जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टिकट दी गई है नागौर की सीट पर, ये दोनों ही जाट है, दोनों ही, एक और जहाँ हनुमान बेनीवाल है तो वहीं दूसरी ओर ज्योति मिर्गा है। और सबसे दिलचस्प अगर कहे तो भाजपा ने इस बार अपना कैंडिडेट यहां पे नहीं खड़ा किया है, यहां पे उन्होंने गठबंधन किया है हनुमान बेनीवाल के साथ। और अगर हनुमान बेनीवाल की बात करें तो युवाओं में काफी पॉपुलर है हनुमान बेनीवाल। हालांकि ज्योति मिर्गा जो कि कांग्रेस से पूर्व सांसद भी रही है, 2009 में यहां पे चुनाव जीती थी, तो उनका एक अपना पूरा परिवार 50 साल से राजनीति के साथ इस इलाके में जुड़ा हुआ है, तो उनका एक पूरा फैमिली बैकग्राउंड राजनीति का है। तो वही हनुमान बेनीवाल जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, कड़ी टक्कर दे रहे हैं ज्योति मिर्गा को। और सबसे दिलचस्प अगर कहे तो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वो यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े रहे थे और उस वक्त भी वो 1.5 लाख वोट ले गए थे। हालांकि अगर 2012 के चुनाव की अगर हम बात 14 के चुनाव की अगर बात करते हैं नवजोत, तो 2014 के चुनाव में ज्योति मिर्गा और जो बीजेपी के उम्मीदवार थे दोनों के बीच में जीत का जो डिफरेंस था वो महज 70,000 वोटों का था, और उसमें 1.5 लाख वोट जो थे वो बेनीवाल ले गए थे। तो इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। साथ ही यहाँ पे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे बड़े बीजेपी नेताओं ने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग किया है।